सबका स्क्रिप्ट है, बड़ी डेप्थ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ जो है जुमले अदा करेंगे। लेकिन पहली रीडिंग में नदीम साहब ने मुझे बता दिया कि बेटे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो जितना सोच कर आए हो वो अपने तक रखो। वैसे आपकी खलील रहमान साहब से मुलाकात हुई है शूट के दरमियान या कहीं पर? नहीं, कहीं अभी नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई। ये जो मुलाकात है ये मैं विटनेस करना चाहूंगा जब भी होगी वो। मैंने पूछा जरूर था कि वो आज आ रहे हैं कि नहीं, मुझे बता दें ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर चीजों को मैनेज किया जाए। अच्छा, वैसे महविश के साथ भी आप पहली दफा काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और इससे पहले आपने महविश की फिल्में वगैरह देखी हुई हैं? वो सी, मैं फैन हूँ महविश। महविश है आपका फैन? तो क्या बात कर रहे हैं आप। तो कैसा लगा इनके साथ, सही काम करती हैं? मैं तो अपने आप को देख रहा था इनकी आंखों में, ये तो मैं तो जज ही नहीं कर पाया कि कैसा करती हूँ वो। अच्छा, अब मजे की बात ये, आप इनकी आंखों में भी खुद को ही देख रहे थे, सारा फोकस खुद पे था। मतलब इतना सेल्फिश लड़का यार, तो सामने है देख तो लो भाई। एक कार्टून बेचारी कर रही है एक्टिंग, मगर मैं भी दोबारा एक बार खलील रहमान कमर के इंटेंस डायलॉग्स, दोबारा नदीम बेग, दोबारा नदीम बेग। तो हमायूं सईद नहीं थे, मगर उनको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक जबरदस्त लड़का सामने मिला हुआ था। वैसे शूटिंग से पहले मैं भी उसकी इजाजत से नहीं पा। जी जी जरूर बताइए। मैंने कहा महविश आपने ये एक रोल है और बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है, आई वांट यू टू डू इट, इट्स डिफरेंट। जितनी भी चीज़ें हम, जितनी भी फिल्में और ड्रामे हमने किए हैं उससे बड़ा मुख्तलिफ है। तो उसने पूछा और कौन है, हमायूं? मैंने कहा नहीं, हमायूं नहीं है। उसने कहा ठीक है, आई विल डू इट बिकॉज तुम्हारा सारा फोकस मुझ पे होगा। ये देखें कितने मसाइल होते हैं एक्टर्स के। आप ऐसा सोचती हैं महविश? भाई बढ़ जाती है इनकी अटेंशन, एंड इट्स नॉट दैट ही डज दिस ऑन पर्पस, बस वो नेचुरली एक होता है कुछ के बढ़ जाती है अटेंशन। बट आई वाज लाइक इस दफा इनका पूरा फोकस, प्राइमरी फोकस में। और वैसे आप जरा बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, अभी ऐसी बहुत सी शूट्स में साथ थे जिसमें महविश, मैं और हुमायूं भी थे। नहीं नहीं, मेरा फोकस के बारे में? नहीं नहीं, फोकस तो आप बहुत ज्यादा करते हैं खवातीन पे, हमें पता है। ऐवें ही हुमायूं सईद बीच में आ रहा है, मगर इस बार आपने वैसे फोकस इन भाई के ऊपर भी बहुत किया है। एक बिल्कुल पहली बार आप काम कर रहे थे भाज के साथ, पूरे मुल्क का फोकस इस भाई पे है। थोड़ा सा मैंने भी किया है। थोड़ा सा आपने भी कर दिया। वैसे ख्याल कैसे आया आपको भाज का? भाज आई थिंक व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई थॉट अबाउट हुमायूं आल्सो, आई थॉट अबाउट मैनी एक्टर्स, बट हमारी एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मुझे लगा कि दैट यू नो आई थिंक इफ ही प्लेज इट, इट बी वेरी डिफरेंट फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर यू नो फॉर अस ऑल्सो। सो देन आई आस्क्ड हिम टू डू इट एंड ही वॉज काइंड इनफ दैट ही सेड यस। और आपने खलील रहमान कमर साहब को आपने सुना हुआ, वो बड़ा अपनी कास्टिंग के बारे में बड़े यू नो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, तो आपने उनको कास्ट बताई थी जब शूट करने वाले होंगे? हाँ, मैंने उनको कास्ट बताई, उसके बाद उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, उसके बाद फोन कट गया था। मैंने क्या बोला? वैसे ये सवाल मैंने भी इनसे किया था। अच्छा, नहीं वो मजे की बात है, हमेशा उनको एक फोन आता है, फिर बोलते हैं और फिर फोन कट जाता है, ड्रॉप कर देते हैं हम खुद ही। मगर आई एम श्योर कि जब वो देखेंगे तो वो बड़े, ऑफ कोर्स ही न्यू अबाउट द कास्टिंग। और अक्सर ये होता है जो भी ड्रामा मैं उनका करूँ या फिल्म करूँ, ऑलमोस्ट हमारी सेम कास्टिंग जहन में होती है, और सो कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं। और जो मुझे लग रहा है, जो ट्रेलर से लग रहा है कि मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर फिर बहुत सी बहस मुबाहसा होने वाला है, जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो काफ़ी उनको कंटेंट मिलेगा। वो भी खलील साहब का फोटो, एक तो खलील साहब का बड़ा एक फोटो है, वो वैसे ही एक हिट लिस्ट पे होते हैं, तो आजकल तो आप भी बहुत माशाल्लाह हैं, तो खूब तो खूब जमने वाली है। जब ये दो कंटेंट मिलेंगे खलील साहब का और भाज का, तो आई थिंक दे विल हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम ऑन सोशल मीडिया। और आप महविश बीच में दे सेल्फियों पे सेल्फियां लगानी है, तमाम ब्लॉगर्स को और लोगों क्रिटिक्स को इन दोनों मर्दों के ऊपर करने दे हमले, आप बीच में एंजॉय करिएगा। वैसे ट्रेन पे सफर करती हैं ज्यादा? मुझे याद है कि ट्रेन पे सफर मैंने पहली बार किया था जब हम पंजाब नहीं जाऊंगी की शूट पे थे,
जी आपको पंजाब ट्रेन पे लेकर आए थे? हाँ, कुछ हालात ऐसे थे कि हम लोग एयर ट्रैवल अवॉइड कर रहे थे, तो हम पूरी टीम जो है वो भी केम बैक इन अ ट्रेन. अच्छा. एंड व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज. ओके. और वहाँ आप कर चुके हैं ट्रेन पे सफर काफी? नहीं, लेकिन जिस तरह के हालात आजकल जहाजों के हुए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेन पे ही सफर करता रहूँ. ट्रेन पे सफर करता रहूँ. एक तरह से हम पाकिस्तान रेलवेज को भी प्रमोट कर रहे हैं स्पीड के अंदर, तो बेहतरीन और महफूज सफर के लिए रेलवे का इंतखाब कीजिए. ये हमारा हिडन मैसेज भी है. मगर गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म. थैंक यू. बिफोर यू फिनिश इट, आई वांट टू थैंक यू दीस टू फॉर ऑप्टिंग द स्क्रिप्ट, एंड ज़ाहिद एंड आमना आल्सो, बिकॉज़ दे हैव आल्सो वर्क. बिल्कुल बिल्कुल. और ज़ाहिद और आमना भी हमें इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त रोल्स के अंदर नजर आएंगे. मशल खान, शी इज आल्सो मशल खान, शी इज नॉट इन द ट्रेलर बट शी आल्सो. बहुत से कास्ट आपने छुपा के भी रखी हुई है, यानी कि जब हम जाएंगे सरप्राइज भी होना चाहिए ना वहाँ से. बहुत सरप्राइज, इतने ज्यादा सरप्राइज है मुझे तो पता ही नहीं था. मगर आई एम श्योर पीपल विल लव इट एंड दे आर गोइंग टू रियली अप्रिशिएट योर वर्क. गाइस, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस. And thanks to all of you for coming, and please do watch the movie on it. Thank you. Ji, Fauzi Nazrat, so that